हेलो दोस्तों, मैं हूं जीवन और हम लोग आए आज मंदसौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर सितामू में, और सितामू तहसील में स्थित है कसनारा गांव। तो कसनारा गांव में श्री रामदेव महाराज जी विराजमान है, तो आपको वहां पे ले चलते हैं और श्री रामदेव महाराज जी का आपको मंदिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहां पे थोड़ा बारिश के कारण हमारे जो कांच पे बूंदे गिर गई है, तो हम कैमरे को थोड़ा बाहर की ओर लेते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आपको मंदिर हल्का हल्का दिख रहा होगा। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक द्वार आ गया है यहाँ पे, तो हम लोग इस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। तो द्वार के अंदर अपन को सीढ़िया दिखेगी और अपन इसके ऊपर से चलते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से सीढ़िया बनी हुई है। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ऊपर की ओर और आपको दिखाएंगे यहाँ पे। देख सकते हो आप यहाँ पे कि कुछ नारियल वगैरह है जो कि यहाँ पे फोड़े जाते हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ से श्री रामदेव जी की पगलिया बनी हुई है छत्र के नीचे, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, आपको लेके चलते हैं हम मंदिर के अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू। दोस्तों, यहाँ पे जाने के लिए ये लगा रखे है, तो आप इसके अंदर होके जा सकते हो। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा इसकी सजावट है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो उसकी सजावट वगैरह कितनी अच्छी बना रखी है। तो दोस्तों, ये बहुत पुराना एक वृक्ष है, और माना जाता है कि यदि किसी के लड़का नहीं हो रहा या लड़की नहीं हो रही हो, तो अपन यहाँ पे मन्नत रखते हैं। तो अगर यदि मन्नत पूरी हो जाए तो लोग यहाँ पे टोकरी वगैरह भी चढ़ाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो इस वृक्ष का भी व्यू। तो आपको हम अंदर की ओर ले जाते हैं और दिखाते हैं श्री रामदेव जी महाराज। दोस्तों, आपको थोड़ा बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं। ये वही द्वार है जिसके अंदर होकर हम ऊपर की ओर आए थे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है आगे की ओर, आप लोग देख सकते हो। और ये एक पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है श्री रामदेव जी महाराज का, तो आप लोग ऊपर से भी इसका व्यू देख सकते हो कि किस प्रकार का मंदिर बना हुआ है। और नीचे कुछ वृक्ष लगे हुए हैं जो कि श्रद्धालु आके इनके नीचे विश्राम करते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो यहाँ से। दोस्तों, हम वापस यहाँ से ही नीचे की ओर चलते हैं, हम यहाँ से ही ऊपर की ओर आए थे, तो आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, आपको अगले वीडियो में हम श्री रामदेव जी महाराज का मेला दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिले। तो थैंक यू वेरी मच।